वृंदावन एयरपोर्ट हम लोग जेजू जाने के लिए आ गए हैं। हम लोग जेजू जा रहे हैं, लेकिन जेजू का बहुत नाम सुना था, उस पर चाइनीज भी अपना कब्जा बनाए रखना चाहता है, साउथ अफ्रीका का भी है, अरे साउथ कोरिया का भी है। तो शुरू में बड़ा कन्फ्यूजन रहा है कि वो सिंगल एंट्री वीज़ा लेना है और या डबल एंट्री वीज़ा लेना है, वहाँ से इंटर करना है कि नहीं करना है। तमाम कन्फ्यूजन के बीच खैर आज हम लोग जा रहे हैं 2 दिन के लिए। कल शाम को वहाँ से फ़्लाइट हमारी सोल की है और वहीं से जापान निकल जाएंगे। एक पुराने ज़माने में पिक्चर एक देखी थी शान, उसमें कुलभूषण का बंदा का एक जजीरा होता है आओ मेरे जजीरे पर तो ये उसी टाइप का जजीरा है जेजू आइलैंड, और देखते हैं छोटा सा प्यारा सा आइलैंड है। तो अभी 1 घंटे बाद फ्लाइट है, उसके बाद 40-30-40 मिनट की फ्लाइट है, 200 या 250 किलोमीटर है उसका एरियल डिस्टेंस। सी मेट अस इन द जिन एयर फ्लाइट टू जेजू, नाउ यू विल बी इन माय ब्लॉग। व्हाट इज हर नेम? दोस्तों आइए जेजू के बारे में कुछ बताते हैं। जेजू द्वीप का अंडाकार आकार 73 किलोमीटर पूर्व पश्चिम और 31 किलोमीटर उत्तर दक्षिण है, जिसके केंद्र में माउंट हल्ला है और फिर स्लोप है। मुख्य सड़क की लंबाई 181 किलोमीटर और समुद्र तट 258 किलोमीटर है। दोस्तों जेजू द्वीप का निर्माण लगभग 2 मिलियन वर्ष पहले एक पानी के नीचे ज्वालामुखी के विस्फोट से हुआ था। जेजू द्वीप को दुनिया के 7 प्राकृतिक आश्चर्यों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। यह 5 सितारा होटलों और रिजॉर्ट से सुसज्जित है, लोग छुट्टियां बिताने के लिए यहां आते हैं। जेजू आइलैंड हम लोग पहुंच चुके हैं, लगेज के लिए बैग नंबर 3। वेलकम टू जेजू आइलैंड। हम लोग जो है जेजू आइलैंड में सबसे पहले गनीमत यहाँ ऊबर चल रही है, तो बहुत आसानी है आना जाना, छोटा सा आइलैंड है। सबसे पहले हम लोग आए हैं स्टोन पार्क, क्योंकि यहाँ पे जो भी है जेडुगो आइलैंड करके हुआ करता था, तो वोल्केनिक इरप्शन से तमाम जो स्टोन्स जनरेट हुए, विभिन्न तरह की मूर्तियाँ और ये सब, तो ये आए हुए हैं हम लोग। अब देखते हैं कहाँ से एंट्रेंस है, कैसे क्या है। लेट्स, बहुत बड़ा ह्यूज पार्क है ये, तो इसको तो घूमने में घंटों लग जाएंगे, फिर भी जो है एक तो ऊपर दिखाई दे रहा है, मुझे लग रहा है ये है। देखो यह है मैप ऑफ जेजू स्टोन पार्क। बाप रे बाप, बहुत बड़ा है ये तो। ये आ गए हम लोग, दिस इज द वे लस ग्रीन, बिल्कुल एकदम स्टोन पार्क जेजू। लेकिन ठंड के मारे बुरा हाल रखा भैया। ये पहला स्टॉप था स्टोन पार्क का, बहुत बड़ा पार्क है, लेकिन हम लोग देखिए कहाँ तक जाएंगे। और आपको एक चीज़ बताना ज़रूरी है कि जेजू आइलैंड जो है ये इंडिया का अंडमान निकोबार मान लीजिए, अब सेकेंड वर्ल्ड वार और कोरियन वार के दौरान
जो काले पानी की सजा जैसे अपने अंडमान निकोबार दी जाती थी, उसी तरीके से ये काले पानी की सजा याफ्ता जो लोग थे उनको यहाँ भेज दिया जाता था जेजू आइलैंड। उसके बाद फिर बाद में डेवलप हुआ। Nice with you. Yeah, he is Mr. Sharif. Say from I'm Dr. Jamal. I'm Dr. Jamal. And Dr. Jamal from Kerala. Yeah. So I love Kerala. I have gone Munnar, Thekkady, Kumarakam, Trivandrum, Kovalam, everywhere. Lovely. ये जमूरे खड़े हुए हैं। दोस्तों, यह स्टोन पार्क घूमने और जेजू लोगों द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपी गई प्राचीन और नई पत्थर की मूर्तियों का अनुभव करने के लिए एक शानदार जगह है। जेजू द्वीप स्टोन पार्क जियोसियोन युग में समतल भूमि पर स्थित है। इसकी अधिकांश प्रेरणा पारंपरिक संस्कृति से आई। पार्क की थीम जेजू द्वीप की पहचान और नींव की ओर इशारा करती है, जो सेओल मुंडे हलमांग की पौराणिक कहानियों पर आधारित है, जिन्हें जेजू द्वीप का निर्माता माना जाता था और 500 पत्थर के जनरलों को ओबेक जंगगुन कहा जाता था। यह एकमात्र ऐसी साइट है जहां कोई जेजू की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की झलक देख सकता है। पाइसियान बीच हम लोग पहुंच गए हैं। अगर आप जेजू सर्च करेंगे और उसमें देखेंगे कि जेजू में सबसे अच्छी जगह कौन सी है, तो आपको ये एरिया आएगा। यहाँ पे जेजू फाग विलेज है, बीच है और कल्चरल सेंटर भी है। बहुत ही खूबसूरत जगह। अभी उतरे हैं हम लोग टैक्सी से। आज हमने कोई डे ट्रिप नहीं लिया है, हम केवल टैक्सी से घूम रहे हैं, उबर से। तो महंगा ज़रूर पड़ रहा है लेकिन समय कम था। ये आ गए हैं हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द बीच। बहुत बढ़िया। अब ये कोजियंस में लिखा हुआ है तो हमारे बस की तो नहीं है पर पाना लेकिन जो समझ रहे हैं हम, पायसन या पायछन जो भी कहें, अच्छा बीच है। क्यों जेजू फाग विलेज या कोई फैशन का वो भी है लग रहा है। ये आज हमारा आज का तीसरा स्टाफ है जेजू में। हम लोगों ने बहुत बढ़िया स्टोन पार्क देखा, बीच भी ठीक था, बाइक स्टैंड थोड़ा रिपेयर का काम चल रहा है। अब जो है आए हैं
जेजू 5 बजे, तो इसको देखते हैं, अच्छा होना चाहिए। बाकी कल हम लोग का ग्रुप टूर है, उसमें 5 बहुत ही खूबसूरत जगह हैं जो हम देखेंगे। आए जो जेजू फॉग विलेज है, उसमें उनके घर हैं ये। अब देखिए कैसे पहले के जीवन में ये लोग रहते थे, छोटे छोटे घरों में या बड़े घरों में। ये है जेजू के पुराने निजी घरों की विशेषताओं को संरक्षित करते हुए सियोंग अब लोक गांव को एक लोक गांव के रूप में नामित और संरक्षित किया गया है। इस तरह की सांस्कृतिक विरासत जैसे लोकगीत और खेल, स्थानीय खाद्य पदार्थ और शिल्प कौशल और जेजू बोली को यहाँ पर आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि इसे एक प्रकार का लोक गांव माना जा सकता है, लेकिन यह नियमित लोक गांव से इस मायने में भिन्न है कि लोग आज भी इसमें रहते हैं। गांव के निवासी आगंतुकों को सभी प्रकार की जानकारी प्रदान करने के लिए स्वयं सेवक मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं। गाँव पारंपरिक संस्कृति और पारंपरिक घर के अनुभव प्रदान करता है और हर अक्टूबर और नवंबर में यहां सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होता है। यहां से स्कूल है, फिर ओरिएंटल फार्मेसी, स्टाफ क्राफ्ट वर्कशॉप, ट्रेडिशनल हाउस ऑफ एक्सपीरियंस, और ये देख सकते हैं। ये स्कूल है, और ये देखिए ऐसे बच्चे पढ़ा करते थे। वाह लवली। हेलो, हाउ आर यू? एनर्जी लॉस हो गया था हम लोगों का, बहुत पैदल चले भाई इस कल्चरल विलेज में। तो लास्ट में ये हम लोगों ने चाकोबार खरीदा, और ये 100 रुपये का है, 100 रुपये का एक, इंडियन करेंसी के हिसाब से। तो लास्ट पॉइंट आ गया है, अब इसके बाद हम जाएंगे अपने होटल, फ्रेश फ्रेश हो करके थोड़ा स्ट्रीट मार्केटिंग की जाएगी। साउथ कोरिया की जगह टाइम ही नहीं मिला सियोल और बुसान में, तो थोड़ा बहुत एक आध जैकेट वैकेट देखेंगे, अगर यहाँ का स्पेशलिटी होगी या सोवेनियर्स ले लेंगे जेजू की। बिल्कुल गांव का माहौल है। हाँ किन्नू, कम कम कम। ये हमारा होटल है जेजू का, रमादा भाई भिंडम। घूम करके आ गए जेजू सिटी सेंटर में, और हमारा होटल भी यहीं बगल में पास में है। काफ़ी सिटी सेंटर तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, जीवंत है, बिल्कुल लाइवली। बस मौसम ख़राब हो गया है, पानी की बूंदें शुरू हो गई, छाता लाना पड़ेगा, पता नहीं लाई है कि नहीं मैडम, नहीं खरीदना पड़ेगा। वाह बादल घूम गए एकदम, शाम हो गई वैसे तो।
मैं यहाँ पे आधे घंटे से खड़ा हूँ और पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई भी आर्डर कैफी में आधे घंटे हो गए हैं, एक छोटा सा आर्डर नहीं मिला मुझे।